हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ड्यू डेट से रिगार्डिंग कि काफ़ी टाइम से वेट हो रहा था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कुछ रिलीफ दे और ड्यू डेट्स एक्सटेंड करे। दो ये जो ड्यू डेट एक्सटेंड हुई है, ये जो प्रेस रिलीज हुआ है, इसमें ड्यू डेट एक्सटेंड तो हुई है पर इसमें हो सकता है आप कवर ना हो रहे हो और ये आपके लिए यूज़फुल ना हो, पर फिर भी ड्यू डेट एक्सटेंड हुई है तो इसका जिक्र करना हमारे चैनल पर बनता है। तो सबसे पहले तो आपकी ड्यू डेट जो एक्सटेंड हुई है वो आपकी कुछ असेसमेंट रीअसेसमेंट से रिलेटेड है, यानी कि जो टाइम बार्ड हो रहे थे आपके असेसमेंट उनकी ड्यू डेट एक्सटेंड करी गई है। पहले ये ड्यू डेट आपकी 30th अप्रैल तक थी, अब इनको बढ़ा के 30th जून 2021 कर दिया है। ये जैसे कि आपके सेक्शन 153 बी में असेसमेंट रीअसेसमेंट के ऑर्डर और आपके जो DRP डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल के ऑर्डर थे उनके लिए डेट एक्सटेंड हुई है। बाकी आपके 148 के अंदर जो असेसमेंट रीअसेसमेंट के ऑर्डर पास होते हैं उसके लिए ड्यू डेट एक्सटेंड करी गई है। साथ ही अगर आपकी इक्वलाइजेशन लेवी का आप देखेंगे अंडर सेक्शन 168 तो इसकी भी टाइम लिमिट बढ़ा दी गई है। यहाँ पे एक ड्यू डेट बढ़ाई गई है जो कि है हमारी DTVSV यानी कि डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम को लेके। अगर उसमें आप अपने आप को अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए तो आपके लिए जो पहले ड्यू डेट थी 30th अप्रैल वो अब बढ़ के 30th जून 2021 हो गई है और आप इसके तहत पेमेंट कर सकते हैं विद नो एडिशनल अमाउंट। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी अपडेट हमारी ड्यू डेट से रिगार्डिंग, और बाकी भी अगर कोई अपडेट आती है तो आपको सबसे पहले देखने के लिए मिलेगी इस चैनल पे। तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड वी विल सी यू सून विद अनदर वीडियो। थैंक यू।